हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 19.42 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले 0.21% का ही गेन देखने को मिला है, लेकिन मार्केट के अंदर में उठापटक अच्छी खासी देखने को मिली हुई है। अगर आप कैंडल पे नज़र डालें तो कैंडल एक लॉन्ग लेग कैंडल नज़र आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। निफ्टी 17,102 पे क्लोज हुआ है एंड बैंक निफ्टी 36,088 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। दिन के दौरान ये बिल्कुल माहौल नहीं था। इनफैक्ट अगर ऐसा बात करें, एक बजे से लेके लगभग एक से डेढ़ के बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, और जोर शोर से आप ऐसा बोल सकते हैं काफ़ी फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है, उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर में मार्केट निगेटिव होता हुआ नजर आया, नहीं तो दिन के दौरान पॉजिटिव काम हो रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें, 17,133 थोड़ी बहुत अभी भी प्रीमियम बाकी है 31 पॉइंट्स की। बैंक निफ्टी हल्की फुल्की डिस्काउंट पे, या आप ऐसा बोल सकते हैं एट पार काम करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास में सपोर्ट भी है, 35,700 की बात कर सकते हैं। निफ्टी 17,000 से लेके 16,950 के आसपास में सपोर्ट है, वहाँ से एक बार बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। जो हमने कल के दिन में ट्रेड इनिशिएट किया, मीन टू से फ्राइडे के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था, वो एक था कैश मार्केट के अंदर में, जहाँ पे हमने HDFC लिमिटेड में बाय किया था लगभग 22.33 के आसपास में, एंड इसे हमने 22.70 के आसपास में हमने स्क्वायर ऑफ किया। इसके अलावा एक ट्रेड ऑन हमने निफ्टी में लिया था, 17,400 का कॉल ऑप्शन एंड 17,250 का पुट ऑप्शन, दोनों हमने 112 के आसपास में बाय किया था। इन दोनों को कॉस्ट पे ही निकालना पड़ा, और जैसे ही निकाला गया लगभग एक सवा एक दो के आसपास में हमने निकाला इसे, और जैसे निकाला गया उसके बाद में बड़े मूव्स डाउन साइड में आते हुए नजर आए। एक्सपेक्टेड नहीं था डाउन साइड मूव, बट प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिली। मे बी इसका एक रीज़न हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्हों रेट कट एक्सपेक्ट किया जा रहा है फेड की तरफ से, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है इंडिया के अंदर में, उसके ऊपर में हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम ये जो वीक है वो ट्रंकेटेड वीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिली हुई है। बात कर लेते हैं, ये ऑलरेडी जो पोजीशन हमने लिया हुआ था लगभग 112 एट कॉस्ट के आसपास में हमने उसे स्क्वायर ऑफ किया। इसके अलावा दो अपडेट जो इसके अंदर हमने किए हुए हैं, 17,200 का कॉल ऑप्शन मंथली हमने बाय किया था 26 का, और सेम 27 को भी, और इसे कैरी फॉरवर्ड किया था कल के दिन में, इसे हमने लगभग 409 के आसपास में स्टॉप लॉस TSL हिट हुआ, और वहाँ से हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो ओवरऑल अप्रैल महीने के अंदर में अभी तक लगभग 19,321 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट बुक किया, 78.86% का आप यहाँ पे गेन देख सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हुए हैं लगभग 73.61% के आसपास में हमें यहाँ पे सक्सेस रेशियो देखने को मिला है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपको मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तब आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉस्मो फीड पे भी अवेलेबल है, आप कॉस्मो फीड डाउनलोड करके वहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमें गिरावट देखने को मिली है आखिरी एक डेढ़ से दो घंटे के अंदर में, ये क्या सस्टेन करेगी, या मंडे के दिन में लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, या फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ में, लेकिन पहले देख लेते हैं कैश मार्केट में किस तरह की पोजीशन बनते हुए नजर आई। FII ने लगभग 3,648 करोड़ की बिकवाली की, और DII ने भी लगभग उतने ही करोड़ की खरीदारी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट के अंदर में प्रेशर देखने को मिला हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है शायद से पैनिक बटन हल्का फुल्का दबता हुआ नजर आया है। एंड ये फॉल की वजह से निफ्टी पे अगर आप नज़र डालें, ये फॉल की वजह से निफ्टी फिर से अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जो कि 17,050 से के आसपास से शुरू हो जाता है। एक्चुअल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 16,950 से लेके 16,900 के बीच में। इन केस अगर फॉल यहाँ पे मिलता है, डेफिनेटली एक लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। क्यों लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए? रीजन बीइंग, अभी तक जितनी बार भी इन लेबल्स के आसपास में आया है, निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दी हुई है इंट्राडे के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 16,958-952 का लो बनाया हुआ है, क्लोजिंग वाइज लो बनाया हुआ है निफ्टी ने पिछले एक महीने, ये 17-18 मार्च के बाद की बात कर रहा हूँ,
उसके बाद में कभी भी क्लोजिंग 16,950 के नीचे की नहीं दी हुई है। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाती है तब आपके लिए आराम से लगभग 450 से लेके 500 का एक गैप खुलता हुआ नज़र आएगा। वहाँ पे भी शायद हम स्टेज वाइज नीचे जाते हुए नज़र आ सकते हैं। टिल द टाइम 16,950-17,000 इज़ इंटैक्ट, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लेवल्स के आसपास में लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। ये फॉल एग्जैक्टली जो देखने को मिला था लगभग 1:15 के आसपास में, थोड़ा संभलने की कोशिश हुई इन लेवल्स के आसपास में 17,200, लेकिन एक घंटा 15 मिनट के अंदर में, ये 15 मिनट का कैंडल है तो 15 मिनट के अंदर में लगभग 17,275 से 17,072 यानी 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। ये 3 बजे के आसपास का कैंडल है। ये सडन फॉल की वजह से डेफिनेटली नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आई हुई है। सो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है, नैसडेक देख लें वो भी नीचे की तरफ दिख रहा है, एसजेक्स निफ्टी भी नीचे की तरफ दिख रहा है। इन केस अगर नीचे की तरफ मिलता है 16,950 जो मैंने पहले बताया, इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करिए। 16,950 से लेके 17,000 के बीच में बाय करिए, 17,000 का कॉल ऑप्शन लीजिए एंड स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 16,850 के आसपास का। इसके नीचे गया तो आपके लिए एक 300 पॉइंट और खुलते हुए नजर आएंगे तो निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर की तरफ में टारगेट 17,200 का इमीडिएट देखा जा सकता है, और माफ करिएगा अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता तो 17,300-17,400 इसके आसपास से, 400 से आप बोल सकते हैं 17,375 के बीच में एक बार अगर मार्केट आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। इन सब लेबल्स के पीछे ऑप्शन चैन पे नज़र डालिए, कुछ पोजीशंस बन रहे हैं वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोजिंग हमारी हुई 17,100 पे, एंड अगर आप पोजीशंस पे नज़र डालेंगे ऑप्शन चैन में तो निफ्टी के अंदर में पोजीशन बन गई है, बैंक निफ्टी में भी नहीं बनी है। 17,500 पे 91,370 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी नीचे है वो आपको 1,21,000 पे देखने को मिल रहा है, 1,21,000 का 18,000 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन 91,000 हो गया, 99,674 हो गया, या अगर आप बात करें 67,000-73,000 कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखे हुए हैं। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है फिलहाल के टाइम पे तो वो 18,000 एंड उसके बाद में 17,300। इसीलिए जब भी आपको ऊपर की तरफ 17,300 के आसपास में दिखता है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे 17,100 पे भी राइटिंग की गई है, अच्छी खासी 55,000 के आसपास की एडिशन की गई है उसके अंदर में। सो आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए नज़र आ रही है। पुट साइड की बात करते हैं, पुट साइड के अंदर में आपको देखने को मिलेगा 17,000 पे लगभग 82,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, एंड यही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल के टाइम पे। यानी अगर नीचे की तरफ जाता है तो 17,000 एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है, 17,000 एंड 17,100 दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सो ये एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर ये टूटता है तो आपके लिए 16,950 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नहीं टिका उसके नीचे की क्लोजिंग हुई, सो ये दोनों यहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट कवरिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसके चलते हुए 16,500 तक के लेवल्स देखने को आपको एक बार मिल सकते हैं। सो नज़र रखिएगा 16,950 की क्लोजिंग पे निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, साइडवेज मूवमेंट नेगेटिव है बट नेगेटिव है बट स्टिल यू कैन से साइडवेज मूवमेंट। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो इसी रेंज के बीच में 36,600 नीचे की तरफ में 35,900 इन्हीं रेंज के बीच में बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब इस रेंज को तोड़ के किसी तरफ में डिसिसिवली क्लोजिंग देगा तभी मार्केट में आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको एक मूव देखने को मिलेगा। जब मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ तो इस रेंज में देखिए आप 19 अप्रैल की क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद में कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर में क्लोजिंग होती जा रही है। सो हमने लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन इस रेंज में निकाल दिए हैं। अब टाइम आ गया है, कहीं ना कहीं फेड का मीटिंग आएगा, फिर आदमी आपका जो आरबीआई का मीटिंग आएगा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, जो रेट कट एक्सपेक्टेड है, अगर उसके ऊपर काम होता तो ये आइदर साइड में ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। नीचे की तरफ में मजबूत सपोर्ट है 35,800 से लेके 35,700 के बीच में, मौका मिलता है बाय करना चाहिए। एक क्लोजिंग मिल जाए इसके नीचे तो तकलीफ की बात है, जो आपको 35,000 तक लेके जाएगा फिर इन दैट केस, अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो नेगेटिव है।
एक से दो क्लोजिंग मैं बोलूंगा ऊपर की तरफ 36,600 के ऊपर के मिल जाए, सो आपके लिए ऊपर की तरफ 400 से 500 पॉइंट के मौके फिर से खुलते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो उसी तरीके से पोजीशन भी बनाना चाहिए। सेम वे यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट पे नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा करके कि एक तारीख के बाद, एक बजे के बाद से ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है। सो नीचे की तरफ में 35,700 के आसपास में बाय करना चाहिए, 35,700 के आसपास में बाय करना चाहिए, सीई ले लीजिए। और जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस लगभग 35,500 के आसपास का, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए यहाँ पे, लगभग 35,500 का आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो ऊपर की तरफ में आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 36,200 का एंड 36,600 का एक बार टारगेट बन सकता है। सेम वे में अगर ऊपर की तरफ में मार्केट देखने को मिला 30,600 के आसपास में एक बार शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है, यानी पी बाय करके काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 36,760 के आसपास का और नीचे की तरफ आपका टारगेट जो बनेगा 36,200 इस रेंज के लिए एक बार बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोजीशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 75,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 91,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट जो कि थोड़ा सा दूर है 37,000 एंड 36,500 के आसपास में कॉल राइटिंग हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, ऊपर की तरफ में अभी भी जाने का थोड़ा सा वहाँ पे गया तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ 35,500 एंड 36,000 पे यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो पुट को या ऐसा बोले जो शॉर्ट की तरफ में बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।